जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल पटेल फीस पे। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को हम स्लैब से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्लैब में किस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्वेश्चन होता है, जो आप लोग बिहार बोर्ड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी स्लैब में आप लोगों को इसका रिफ्रैक्शन दिखा देगा किस प्रकार से हो रहा है, और उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमें फाइंड करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इन द गिवन क्वेश्चन। जैसे आप देख रहे हो, ये एक स्लैब है बच्चों, और स्लैब के जो बाहरी मीडियम है वो हमारा एयर है, ठीक है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं, उसको फाइंड करनी है, और इसमें किस प्रकार से लाइट रिफ्रैक्शन किया है वो हमें दिया गया है। जैसे इस स्लैब में बोला गया है कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, और ये इंसिडेंट एंगल हमें क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, यानी 45 डिग्री पर एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहरी मीडियम अगर एयर है, ये अगर मीडियम है, तो लाइट रेयरर से डेंसर के तब जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पर लाइट जाएगा, लेकिन ये रेयरर से डेंसर के तब जाएगा तो लाइट थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा लाइट नीचे की तरफ बेंड किया है, और यही रिफ्लेक्टेड रे ऑफ यही जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ तक आया। यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर कुछ एंगल बनाया ये नॉर्मल के साथ, और ये सरफेस के साथ ग्रेजिंग करते हुए चला गया, और ये जो ग्रेजिंग किया इसका मतलब यहाँ पर एंगल बच्चों 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। अब हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से फाइंड करनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि नहीं, आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर पाएंगे। जैसे अब ध्यान से देखो बच्चों कि जैसे यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट रेयरर से डेंसर के तब गया है। मान लीजिए ये हमारा कोई ए पॉइंट है, और ये जो बच्चों लाइट इंसिडेंट किया है यहाँ पे कि नहीं, उसके बाद रिफ्रैक्टेड एंगल बना है, तो उस रिफ्रैक्टेड एंगल को हम लोग यहाँ पर आर एंगल नाम दे देते हैं। और ये वाला एंगल बच्चों आप कि नहीं, यहाँ पर जो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक चीज। अगर ये एंगल आर है बच्चों, तो अगर इससे करके मिला देते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। अगर ये आर है, 90 है, तो ट्रेंगल के ये वाला जो एंगल बन जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री माइनस आर बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ये लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस में आर, और ये तो 90 है ही, तो इस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब किस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। हम लोगों का काम क्या है बच्चों कि यहाँ पर ए पॉइंट पर एक बार स्नेल्स लगा देंगे, और एक बार स्नेल्स यही बी पॉइंट पर लगा देंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, उन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से आसानी से म्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर स्नेल्स लगाएंगे, लिख देंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर स्नेल्स हम लोग यूज कर लेते हैं, और यहां पर जो स्नेल्स हो जाए बच्चों, चूंकि ये एयर से लाइट जा रहा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इनटू में साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू में यह हो जाएगा साइन आर, ठीक है। किस प्रकार से इक्वेशन हम लोग बनाए हैं, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इंसिडेंट किया है 45 डिग्री पर, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू में साइन आई, जो आई मेरा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आई के जगह पर आप आसानी से 45 भी दे सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर आई नहीं दे देते तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते थे यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री बराबर म्यू इंटू में साइन आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों कि 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा। इसीलिए साइन आर की जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये यह हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू में म्यू, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर अभी 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने क्या किया, इस ए बिंदु पर स्नेल्स का लॉ अप्लाई कर दिए, और स्नेल्स का लॉ जैसे अप्लाई कर दिए तो मेरे को एक इक्वेशन आ गया, साइन आर की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 2 म्यू आया। अब यही स्नेल्स लॉ बच्चों हम ए के जगह पर नहीं बल्कि अब बी के जगह पर लगाएंगे, क्योंकि लाइट यहां से डायरेक्ट यहां पर आया है, तो यहां पर भी स्नेल्स लॉ आप लोग लगा दीजिए। अब क्या होगा बच्चों, चूंकि ये स्लैब से लाइट बाहर निकलेगा तो ये मेरा डेंसर बन गया, और ये जो बाहरी मीडियम है बच्चों ये हमारा एयर है, ठीक है। तो फिर से चलिए हम लोग स्नेल्स लॉ एक और यूज करते हैं, लिख देंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर स्नेल्स लगा दीजिए,
और बी पॉइंट पे स्लैश लगा देंगे। तो यहाँ पर अभी बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर चूंकि ये मीडियम है तो यहाँ पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव में म्यू है, तो म्यू इंटू में साइन 90 माइनस आर, और जब बाहर निकल जाएगा तो सराउंडिंग मीडियम मेरा एयर है, तो 1 इंटू में साइन 90 हो जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा म्यू इंटू में साइन 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन 90 डिग्री हो जाएगा। सो म्यू इंटू में कॉस आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, इसीलिए कॉस आर की जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो हमें इस प्रकार से दो इक्वेशन मिल गया, सबसे पहले ए पॉइंट पर जैसे अप्लाई कर दिए तो हमें साइन आर की वैल्यू 1/√2μ बन गया है, और एक बार जब हम बी पॉइंट पर अप्लाई किए स्नेल्स के लॉ तो हमें कॉस आर की वैल्यू 1 अपॉन μ आ गया है। ठीक है, अब एक में आप देख सकते हैं बच्चे साइन आर है, और एक में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉस आर है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करके अब सोल्व करें तो आसानी से वैल्यू आ जाएगा। कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो चूंकि एक में साइन था एक में कॉस था, हम दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे, तो लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर आर प्लस में कॉस स्क्वायर आर की जो वैल्यू हो जाएगा 1/√2μ का स्क्वायर और प्लस में 1/μ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर ये मेरा 1 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग 1 दे सकते हैं, और इधर हो जाएगा 1/2 μ² प्लस में 1/μ² हो जाएगा। क्यों होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग भी जानते हैं 1 होता है, और 1/√2μ का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर सीधे 2μ² हो जाएगा इसको, ठीक है, यहाँ पर सीधे μ² होगा 1/μ², तो आप इसमें μ² को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/μ² को कॉमन लेने के बाद 1/2 प्लस में इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/μ² मल्टीप्लाई इधर 3/2 हो जाएगा और इधर 1 है, इस μ² नीचे है इसको आप इधर ले जाओ तो μ² की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/2, इसीलिए हम अगर म्यू का मान निकाले तो √3/2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है मेरा यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मान है और यही स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग निकाले हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि नहीं स्लैब में, तो आप लोग इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन दे तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां जहां लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे स्नेल्स लगा देंगे, उसी से इक्वेशन आ जाएगा और उन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हम लोग निकाल देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होइएगा, आई होप हम लोग 1 नवंबर से आप लोगों के लिए फिजिक्स में महा मैराथन क्रैश कोर्स ला रहे बच्चों, तो उसके लिए आप लोग जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं आप लोग तैयार हो जाइए, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा आप लोगों के लिए, हम लोग फिजिक्स का महा मैराथन क्रैश कोर्स ला रहे हैं, तो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं आप सभी 1 नवंबर से हमारा जो क्रैश कोर्स है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग जो भी बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं रेगुलर क्लास करेंगे और हमारा इस क्लास के माध्यम से आप सभी को 95+ मार्क दिलाने की हम गारंटी लेंगे, और सभी बच्चे अगर सही से हमारा पूरी क्लास करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम का जो आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।